तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कार्तिक यादव केपीएम 2.0 पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो टाटा आईपीएल का एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा लखनऊ वर्सेस बेंगलुरु, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे और दोनों ही टीम के लिए भाई आपके लिए आपको पता होगा मस्ट विन मुकाबला और कौन सी टीम के कौन से प्लेयर्स यहाँ पर भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई पिच अब यहां पर चेंज हो चुकी है, जो चार वेन्यू सेलेक्ट किए गए थे लीग मैचेस के लिए वहां पर भाई मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैच खेले जा रहे भाई ईडन गार्डन्स में, जो पहला क्वालिफायर मैच आज खेला जाएगा अब से एक घंटे बाद वो भी भाई ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, और जो ये मैच है जो कल शाम को 7:30 पर खेला जाएगा जिसकी मैं अभी वीडियो बना रहा हूं ना, ये मैच भी भाई ईडन गार्डन्स पर ही खेला जाएगा। लेकिन ईडन गार्डन पर भाई बारिश के काफ़ी सारे चांसेस लग रहे हैं, कल के पूरे दिन बारिश हुई है, आज भी भाई मॉर्निंग में बारिश हो रही थी, अभी का मैंने देखा नहीं है तो, बट अगर देखिए यहाँ पर बारिश हो रही है ना तो पिच का जो फाइनल रिपोर्ट है ना, फाइनल पिच रिपोर्ट वो आपको मिलेगी भाई टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि भाई वेदर के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है पिच, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि जो भी मेरी फाइनल टीम होगी ना इस मैच को लेकर वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, सर्च आपको क्या करना है @KPMF11, सिंपली आपको सर्च करके ज्वाइन करना है तो आप ये सर्च कर लीजिएगा, जो टॉप पर आपको चैनल दिखे वही हमारा चैनल है। अभी आप देख सकते हो 5928 मेंबर है, नीचे जो 7000 मेंबर का चैनल दिख रहा है ये भाई कोई फेक चैनल है, इसके ऊपर बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है। तो ये मैं आपको बोल रहा हूं, आपको सिर्फ ऊपर वाला 5900 मेंबर वाला चैनल ज्वाइन करना, आपको यहां पर मैक्सिमम 6000 के आसपास दिखेंगे, वो भी मैक्सिमम, या फिर आपको इतने ही मेंबर्स यहां पर दिखेंगे, तो यही चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। बट बेस्ट वे है भाई नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाइए, तो वहां से अगर आप जाओगे तो ज्यादा इजी रहेगा। यहां पर अगर बात करें तो ईडन गार्डन्स में, अब ईडन गार्डन्स की भाई देखिए जो पिच की रिपोर्ट आएगी ना वो तो भाई मैं आपको बता चुका हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर आएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ प्लेयर ऐसे हैं जैसे कि भाई यहाँ से देखिए बेंगलोर को थोड़ा सा फेवर रहेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि जो दिनेश कार्तिक है ना इनका ईडन गार्डन पर काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। रीज़न क्या है, क्योंकि KKR की तरफ से खेलते थे तो भाई काफ़ी सारे मैचेज इन्होंने खेले हैं यहाँ पे। विराट कोहली इनका तो पता भाई आपको हर ग्राउंड पर अच्छा रिकॉर्ड मिलेगा, इनका रिकॉर्ड अच्छा है। ये चीज़ आपको दो चार बातें हैं ना ये आपको जरूर से ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें आपके काम आने वाली है भाई आगे, ठीक है। इसके अलावा भाई यहाँ पर पेसर्स को हेल्प मिलेगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख, क्योंकि देखिए वेदर कंडीशन ऐसी है तो भाई पेसर्स को हेल्प मिलने के ज़्यादा चांसेज है, तो आप मान के चलिए कि पेसर्स को हेल्प मिलेगी और उसी हिसाब से भाई हम अपनी टीम बनाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन की बात करें तो भाई मेरे हिसाब से जो लास्ट मैच में प्लेइंग इलेवन लेके उतरी थी टीम उसमें कुछ ही चेंजेस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे भाई यहां पर अगर बात करें तो विराट कोहली, डुप्लेसिस, मैक्सवेल, कार्तिक चारों मस्ट भी मतलब 100% आपको खेलते दिखेंगे। रजत पाटीदार आपको दिखेंगे, महिपाल लोमरोर आपको दिखने ही दिखने वाले, शहबाज अहमद, वानिंदो असरंगा ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर भाई एक चेंज हो सकता है, सिद्धार्थ कोल की मतलब को बाहर का रास्ता दिखाकर, और यहाँ पर भाई सिराज की वापसी हो सकती है, ठीक है। बस एक ये चेंज मेरे को लग रहा है कि मोहम्मद सिराज यहाँ पर आपको खेलते दिख सकते हैं, इसके अलावा भाई मेरे को यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता दिख रहा है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सेम टीम खेलेगी। और यहाँ पर आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो कौन कौन इंपॉर्टेंट रहेंगे, देखिए विराट कोहली अब फॉर्म में आ चुका है और आपको पता है विराट कोहली कितने कंसिस्टेंटली स्कोर करते हैं। अब यहाँ पर पता नहीं भाई स्कोर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट मोस्टली चांसेज है कि इस मैच में भी आपको विराट कोहली अच्छी खासी इनिंग खेलते दिखेंगे। अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग आती है तो आपके लिए 100% मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। डुप्लेसिस एनी कंडीशन मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। मैक्सवेल बैटिंग प्लस बॉलिंग, हालांकि यहां पर हो सकता है भाई ज्यादा इनको बॉलिंग ना मिले, ठीक है, यहां पर क्योंकि जो कंडीशन है वो पेसर्स के लिए ज्यादा अच्छी रहेंगी, तो यहां पर भाई हो सकता है कि इनको ज्यादा बॉलिंग करने का मौका ना मिले, बट RCB इनसे एक या दो ओवर तो निकलवाएगी, तो आप इसे एज ए मतलब एज ए सेफ कैप्टन VC के ऑप्शन में लेके जरूर से चलिएगा, ठीक है। इसके अलावा भाई नीचे से अगर बात करें तो भाई रजत पाटीदार को GL मिनी GL में ट्राई कीजिए, क्योंकि अभी इतने बड़े लेवल पर इतने बड़े मैचेज में खेलने का एक्सपीरियंस कम है, तो उम्मीद यही है कि अच्छा खेलेंगे, बट भाई प्रेशर झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे तो इस चीज़ पर डाउट रहेगा। साथ ही बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है। अब यहाँ पर आप देखिए भाई यहाँ पर टीम ने छोटा स्कोर चेज नहीं किया, यहाँ पर टीम ने भाई 168 का स्कोर चेज किया और फिर
भी भाई यहाँ पर इनकी बैटिंग नहीं आई, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में विकेट नहीं गिरते ना तो भाई फिर इनकी बैटिंग नहीं आएगी, और अगर इनकी बैटिंग नहीं आती तो फिर भाई पिक करने कोई फायदा नहीं। जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिए, महिपाल लोमरोर को भी जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिए। शहबाज अहमद गजब का प्लेयर है, जीएल मिनी जीएल के लिए अच्छा रहेगा, आप लोग इसको लेके आएंगे टीम में, ठीक है। हो सकता है भाई एक या दो मैच में इसने लोगों को जिताया होगा, बट भाई मोस्टली मैचेस में स्मॉल लीग में हमारे लिए रिस्की पिक रहेगा, स्मॉल लीग में आप इसे ड्रॉप करके चलेगा, क्योंकि देखिए हाँ इकोनॉमिकल रहता बट विकेट टेकिंग गेंदबाज नहीं है। जैसे मैक्सवेल विकेट निकाल के ले जाता है, ऐसी बॉलिंग भाई शहबाज नहीं करते हैं। हाँ इनको अगर बैट्समैन इनके पीछे पड़ेगा तो हो सकता है कि एक आधा एज लक के कैच उठ जाए या मतलब LPW कुछ हो जाए तो उस कंडीशन में विकेट मिल सकती है, अदरवाइज इसको सेफली खेलकर निकाल सकते हैं। वहीं अगर बात करें वानिंदु असरंगा मस्ट पिक प्लेयर रहेगा, इवन सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग करता है तो CVC का भी अच्छा चॉइस रहेगा। हर्षल पटेल फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग गारंटेड मेरा VC रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो सिद्धार्थ कोल की जगह पर शायद आपको मोहम्मद सिराज देखने को मिलेगा, जो भी खेलेगा भाई जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिए। जो सेजलवुड फर्स्ट इनिंग में मस्ट पिक, सेकंड इनिंग में आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो ड्रॉप करने का, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अब अगर बात करें जो लखनऊ की टीम है, लखनऊ का लास्ट मैच क्या रहा था, लखनऊ का लास्ट मैच भाई पहाड़ पे चढ़ के भी 2 ही रन से जीते थे, मतलब समझ रहे हो 210 रन बनाए और सिर्फ 2 रन से विन किया मैच, ठीक है, वो भी रिंकू सिंह आउट हो गया। तो यहाँ से अगर बात करें तो भाई डीकॉक राहुल दोनों मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा लेविस शायद इस मैच में आपको ना खेलते दिखाई दे, इनकी जगह पर भाई एक एक्स्ट्रा गेंदबाज के साथ ये जा सकते हैं, ये काम ये कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर दीपक हुड्डा आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वन डाउन बैटिंग करेगा मोस्टली। वोहरा शायद ना खेलते नजर आए, अगर वोहरा खेलेगा तो भाई जीएल मिनी जीएल के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से, स्मॉल लीग में ट्राई मत कीजिएगा। स्टोइनिस यहाँ पर भाई बहुत ही गजब की पिक रहेगा, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर स्टोइनिस के पूरे 4 ओवर डालने के चांसेस रहेंगे। होल्डर स्टोइनिस दोनों मस्ट हैव पिक रहेंगे, ऊपर से भाई ये दोनों अभी तक ये 4 प्लेयर यहाँ से मस्ट हैव पिक रहेंगे। नीचे आके रवि बिश्नोई अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आते तो भी आप मतलब रिस्क ले सकते हो, तो भी भाई तो ट्रंप कार्ड प्लेयर के तौर पर ट्राई कीजिएगा, सेफ प्लेयर आपके लिए तब भी नहीं रहेगा। आवेश खान मोहसिन खान दोनों आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। अब यहाँ पर भाई आपको ट्राई कैसे करना है, अभी आपको टीम भी मैं बना के दिखाऊंगा, जो डेमो टीम हमारी रहेगी वो भी आपको बना के दिखाएंगे। गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पर देखिए मोहसिन खान जब इतना हाई स्कोर बनाया हो सामने वाली टीम में और एक गेंदबाज आपका 4 ओवर में सिर्फ 5 की इकोनॉमी के साथ रन दे तो आप समझ सकते हो कि गेंदबाजी कितनी लाजवाब की होगी। 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट निकाले, हालांकि आवेश खान का चाम उतारा था यहाँ पर, मतलब बुरे तरीके से मार पड़ी थी। 15 की इकोनॉमी के साथ 60 रन दिए थे। कृष्णप्पा गौतम 2 ओवर में 23 रन, 1 विकेट जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। रवि बिश्नोई 4 ओवर में 1 विकेट जीएल मिनी जीएल में ही ट्राई कीजिएगा। मार्कस स्टोइनिस ने लास्ट ओवर में आकर भाई गर्दा उड़ा दिया था और भाई 3 विकेट निकाले थे, एक तरफा विनिंग हमारी करवा दी थी। लोगों ने भाई यहाँ पर दीपक हुड्डा को लिया था, हमने भाई मार्कस स्टोइनिस को लिया था, हालांकि दीपक हुड्डा की बैटिंग नहीं आई, अदरवाइज हो सकता वो भाई इससे ज़्यादा पॉइंट दे देता, और यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस को लास्ट ओवर नहीं मिलता तो भी भाई मैच एवरेज ही जा रहा था, बट यहाँ पर भाई इन्होंने गर्दा उड़ा दिया था, ठीक है। हालांकि तब देखिए विकेट भी मिले तो कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और भाई यहाँ पर देखिए जो बॉलिंग कंडीशन है वो मतलब मोस्ट लाइकली पेसर्स के फेवर में रहेंगी। बाकी जो भी मेरी फाइनल पिच रिपोर्ट होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर पता चल जाएगी, ठीक है। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं डेमो टीम की। डेमो टीम भाई यहाँ से आपको बड़े ध्यान से बनाने, क्योंकि क्रेडिट इशू आपके पास आने वाला है और उसी को हम मैनेज करते हुए डेमो टीम बनाएंगे। बाकी जहाँ पर आपको क्रेडिट इशू नहीं आएगा वहाँ की भी मैं टीम अभी आपको बना के दिखाऊंगा, तो हर तरीके की टीम मैं आपको बना के दे दूंगा। यहाँ से भाई दोनों आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, KL राहुल और क्विंटन डीकॉक दोनों आपकी टीम में रहने चाहिए। अब यहां से देखिए छोटा सा रिस्क आप लेके चल सकते हो, आपको करना क्या है, यहाँ से विराट कोहली मस्ट हैव पिक, फाफ डू प्लेसिस मस्ट हैव पिक, यहाँ से भाई मार्कस स्टोइनिस को हम अपनी टीम में ट्राई करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। या फिर आप अगर चाहो तो क्रेडिट मैनेज करने के लिए महिपाल लोमरोर के साथ जा सकते हो, बट अभी के लिए ये ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें तो भाई मैक्सवेल आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेगा। नीचे आके भाई आपके लिए यहाँ से जेसन होल्डर और कुणाल पांडे, भाई लास्ट मैच खेला नहीं था, अगर फिट होता तो भाई आपको खेलता दिखेगा मनन वोरा की जगह, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो आप ट्राई कर सकते हो, इस मैच में मेरे हिसाब से इतना इंपैक्ट नहीं डाल पाएंगे पांड्या, तो मैं तो ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी फाइनल टीम में देख लेंगे क्या करना क्या नहीं। यहां से अभी के लिए मैं इन दोनों ऑलराउंडर्स को ले रहा हूं। अब अगर बात करें यहां से बॉलिंग सेक्शन में, अब यहां से आपको क्रेडिट मैनेज करते हुए टीम बनानी। भाई यहां से हर्षल पटेल हमारी टीम में 100% रहेंगे, मोहसिन खान आवेश खान, ठीक है। अब यहां पर आपके पास स्पॉट बचा है 1 और आपको प्लेयर पिक करने हैं 2, तो ये चीज आपको थोड़ा सा रिस्क आपको यहां पर तो भाई उठाना ही उठाना पड़ेगा, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि देखिए भाई फास्ट बॉलर्स को हेल्प है, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करती है बेंगलोर की टीम तो भाई मैं असरंगा को ड्रॉप कर दूंगा इस मैच में, मैं ये रिस्क लेके जाऊंगा, मैं ऐसे हेजलवुड को अपनी टीम में लेके जाऊंगा, ठीक है। या फिर अगर मान लो कि यहां से
आप एक काम और भी कर सकते हो, मोहसिन खान को ड्रॉप करके आप इन दोनों को ले सकते हो, आवेश खान को ड्रॉप करके आप इन दोनों को ले सकते हो, ठीक है। तो ये काम आपको एक प्लेयर के ऊपर तो रिस्क लेके चलना ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए अगर डेमो टीम की बात करें तो कुछ इस प्रकार की रहेगी। अगर आपको थोड़ा सा और सेफ जाना है तो भाई आप यहाँ से दीपक हुड्डा को क्रेडिट मैनेज करके ले सकते हो, बट अभी के लिए मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से भाई इस मैच में आपके लिए ट्रंप कार्ड प्लेयर स्टोइनिस रहेगा ही रहेगा। जीएल में आप इसे कैप्टन वीसी करिएगा, क्योंकि भाई आपको पता बैटिंग तो आपने इसकी देख ही ली, जब मारने लगता है तो मतलब पागल हो जाता है। हालांकि अभी इतनी बड़ी कुछ ऐसी ताबड़तोड़ नोक नहीं खेले, लेकिन जितनी छोटे छोटे कैमियो खेले देख के अच्छा लगा है, ठीक है। सीवीसी की यहाँ से बात करेंगे तो भाई देखिए, मैं अभी के लिए अपनी टीम में कैप्टन दे रहा हूँ ग्लेन मैक्सवेल को, वीसी में दे रहा हूँ भाई यहाँ से कपिल केएल राहुल को, ठीक है। बाकी यहाँ से ऑप्शन की बात करें तो भाई आपके लिए यहाँ सेकेंड इनिंग में अगर बैटिंग आती है विराट कोहली अच्छा ऑप्शन रहेगा, या फिर क्विंटन डीकॉक फर्स्ट इनिंग में अच्छा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर सेकेंड इनिंग में आपके लिए वानिंदु असरंगा अच्छा रहेगा, हर्षल पटेल फर्स्ट इनिंग में अच्छा रहेगा, हालांकि हर्षल पटेल लास्ट मैच में एक ही ओवर डालकर बाहर चले गए थे, तो अगर ये खेलते तो भाई इनके भाई उंगलियों के बीच में से कुछ मतलब मांस वास फट गया था तो उस चक्कर में बाहर गए थे। मोस्टली भाई इस मैच में रिकवर होकर फिट होकर खेलते नजर आएंगे, बट फिर भी अगर कुछ भी अपडेट आती है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेंशन फ्री होकर खेलिएगा, एक तरफा विनिंग आपको भाई आपकी करवाने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लेकिन टेलीग्राम चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना वहीं पे भाई सब्सक्राइब करने का बटन भी है, वो आप दबा देना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ताकि उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अभी के लिए आप इस टीम के साथ जा सकते हो। यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस आपके लिए एक मतलब ट्रंप कार्ड प्लेयर रहेंगे, मोहसिन खान को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ, आवेश खान के ऊपर रिस्क ले रखा है, उसको आप मैनेज कर सकते हो अपनी टीम में। आप अगर बड़ा रिस्क लेना चाहो तो इन दोनों ओपनर में से किसी को भी एक ड्रॉप कर सकते हो। अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग आए तो क्विंटन डीकॉक को आप ड्रॉप करके चल सकते हो, मेरा ये मानना है, ठीक है। फिर आप यहाँ से आवेश खान को लेकर चल सकते हो, क्योंकि अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग आएगी तो आवेश खान की फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आएगी और वो भाई डेथ ओवर में गेंदबाजी करेगा, तो आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए अगर बात करें तो मेरी टीम कुछ इस प्रकार की रहेगी। बाकी अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट होता है तो उसकी डायरेक्ट अपडेट आपका भाई आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर लेकर आ जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।